सुनवाई। उन्नाव कांड पर सीजेआई ने लिया संज्ञान। उन्नाव मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उन्नाव कांड पर सीजेआई ने लिया संज्ञान। और खबरें चल रही हैं कि पीड़िता ने हमें पत्र भेजा, ये कहना सीजेआई का, मगर हमने उसे अभी तक देखा नहीं है। हम जानना चाहते हैं हमें क्यों नहीं मिला, ये कहना सीजेआई का। हम इस मामले पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट चाहते हैं। तो उन्नाव मामले पर बड़े फैसले की दरकार। उन्नाव मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम जानना चाहते हैं हमें क्यों नहीं मिला। उन्नाव कांड पर सीजेआई ने संज्ञान लिया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए हमारे साथ। तो रवि, खुद सीजेआई ने संज्ञान लिया है इस मामले पर, निश्चित तौर पर मामला बहुत बड़ा है और इसलिए सीजेआई भी अब खुद हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सीजेआई ने पूरे इस मामले पर संज्ञान लिया है। हालांकि देखिए बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि पीड़िता की तरफ से सीजेआई को चिट्ठी लिखा गया था और सीजेआई ने साफ कर दिया है कि उन्हें चिट्ठी नहीं मिला। हालांकि देरी क्यों हुई, न्यूज़ चैनल्स में खबरें चली, अखबारों में खबर चली, उसके बाद पता चला कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन गैप रहा है। सीजेआई इस पर काफ़ी नाराज भी हुए हैं और उन्हें रजिस्ट्री से सीधा साफ तौर पर जानना चाहे कि आखिरकार जब चिट्ठी 12 जुलाई को भेजा गया था तो उन्हें क्यों नहीं अभी तक मिला। हालांकि 18 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और चिट्ठी नहीं मिला, तो ऐसे में उन्होंने काफी नाराजगी भी जताई है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब पूरा मामला चला गया है, सुनवाई होनी है। हालांकि देखिए पूरे देश भर में इस पूरे मामले को लेकर रोष है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या संसद भवन की बात करें, लगातार सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन भी जारी है और तमाम सभी वर्ग के लोग जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं इस मामले को लेकर। और अब यह पूरा मामला ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सीजेआई के पास ये मामला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में तो क्या हो सकता है, किस तरह का फैसला आ सकता है, क्या उम्मीदें क्या हो सकती है रवि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से अगर देखें तो? देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखें तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेगी, पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट लेगी, उसके बाद कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर फैसला लेने में पहले, क्योंकि अभी देखिए चिट्ठी की बात आई है, साफ तौर पर सीजेआई ने यह कह दिया कि चिट्ठी उन्हें नहीं मिली, काफी लंबा वक्त लग गया। तो ऐसे में अभी फैसले की अगर बात करें तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार करना होगा। अभी बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि लखनऊ उन्नाव कांड को लेकर सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। सीबीआई ने 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। विधायक कुलदीप सेंगर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, भाई मनोज समेत 25 लोगों पर एफआईआर। हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज, हत्या और हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज। तो सीबीआई ने 25